नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानु चैनल। साथियों, डीपीआई द्वारा 4 जुलाई 2024 को एक लेटेस्ट पत्र जारी किया गया है, सीसीएलई से रिलेटेड है। और जो समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, साथ में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्राचार के लिए यह पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, काफ़ी बदलाव के दिख रहे हैं सीसीएलई के इस लेटर में, कि सीसीएलई की जो गतिविधियां होती हैं शनिवार को होती हैं और साथ में इसमें 3 प्रथम कालखंड होते हैं, तो उनमें भी परिवर्तन किया गया है और साथ में बहुत सारे परिवर्तन के साथ सीसीएलई प्रारंभ हो रही है। इसे जानेंगे, साथ में नई शिक्षा नीति क्या है, नई शिक्षा नीति बेस्ड जो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना है तो उसके बारे में भी दिया गया है। ये हम सभी निर्देश पढ़ेंगे इस वीडियो में। साथियों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं विषय में सीसीएलई के बारे में दिया गया, शनिवार को जो बाल सभा होती है वही राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भित आदेश में का हवाला देते हुए इसमें बताया गया है कि कार्यक्रम जो कि प्रत्येक शनिवार को संचालित किया जाना है, इस हेतु 20% अंक निर्धारित किए गए हैं। इनके परिपालन में पूर्व में के वर्षों में हेतु राज्य शासन एवं जिला स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण भी दिए गए। तो साथियों, जैसे कि प्रशिक्षण की बात करें तो पिछली साल भी प्रशिक्षण हुए थे और इससे पहले भी कई बार प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं, इसलिए इस बार शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं होना है। और देखा जाए तो पिछली बार सीसीएलई पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था और उसी के तहत अब देखा गया कि शिक्षकों का प्रशिक्षण इस बार नहीं हो रहा है। वहीं 2020 में विद्यार्थियों के लिए 21वीं शताब्दी के कौशल अर्जित करने हेतु जोर दिया गया था, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर संचालित नेशनल असेंबली सर्वे तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जाने वाले पीसा के द्वारा यह सीसीएलई डिजाइन किया गया है। चलिए देखते हैं इसके प्रमुख निर्देश हम देखते हैं। सीसीएलई कार्यक्रम में माहवार एवं सप्ताहवार इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि विद्यार्थियों को उनके ही पाठ्यक्रम को सुचारूपूर्वक तरीके से विभिन्न गतिविधियों के प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाते हुए 21st सेंचुरी स्किल अर्जित करने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिगत रखते हुए सीसीएलई कार्यक्रम में नियमित रूप से संचालन किया जाना नितांत आवश्यक है। वहीं कार्यक्रम में नियमित संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश भी दिए गए हैं। पहला निर्देश हम देखते हैं, इसमें राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रम के 26/8/2016 तथा 24/8/2023 के अनुरूप में माह प्रत्येक शनिवार के प्रथम 3 कालखंड बाल सभा का संचालन सीसीएलई में दिए गए निर्देशों के अनुरूप में समस्त सीएम राज स्कूल जिला स्तरीय एक्सीलेंस विद्यालय तथा भोपाल नगर के सभी विद्यालयों में शनिवार को प्रथम 2 पीरियड तथा अंतिम 1 पीरियड यूएचवी का लगाया जाएगा। तो साथियों, जहां पहले 3 कालखंड होते थे, अब इसमें दिया गया है समस्त सीएम राज तथा जिला स्तरीय एक्सीलेंस विद्यालय तथा भोपाल नगर के सभी विद्यालय में शनिवार को प्रथम 2 कालखंड तथा अंतिम 1 पीरियड यूएचवी का लगाया जाएगा। वहीं प्रत्येक शनिवार, तो ये इसमें परिवर्तन सिर्फ सीएम राज स्कूल में किया गया, एक्सीलेंस विद्यालय में किया गया और भोपाल नगर के समस्त विद्यालय में प्रथम 2 कालखंड और 1 लास्ट का कालखंड है। बल्कि और अन्य इसमें देखा जाए तो प्रथम तीन कालखंड में ही संचालित करना है इसे। अन्य स्कूलों में सीसीएलई के हेतु माहवार थीम एवं गतिविधियों का अनुलग्नक एक साथ संलग्न है। वहीं सीसीएलई गतिविधि के संचालन में राज्य स्तर से एक रूपता तथा गुणवत्ता बनी रहे, इस दृष्टि से प्रत्येक शनिवार के लिए बहु ऐप व्हाट्सएप बनाए जाएंगे तथा सीसीएलई जो ग्रुप है उसमें निर्देश भी दिए जाएंगे तथा कक्षा शिक्षकों को सीसीएलई गतिविधि के संचालन करना होगा। यह निर्देश यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगा, जिनकी जान प्रत्येक शुक्रवार को सूचना भी दी जाएगी। राज्य स्तर से एक एप्लीकेशन तैयार की जा रही है, जिसमें विभिन्न शालाओं में सीसीएलई गतिविधि की एंट्री भी की जाना है। तो साथियों, एप्लीकेशन के माध्यम से एंट्री भी करना है जो सीसीएलई गतिविधि या विद्यालय स्तर पर होंगी। वहीं देखते हैं, विद्यालय में विमर्श पोर्टल पर सीसीएलई के विभिन्न गतिविधियों के संचालित फिल्में अपलोड की गई हैं। उन्हें अपेक्षा है कि आप तथा आपका पूरा स्टाफ इन फिल्मों में जिसमें सचित्र सचिव तथा का भी संदेश देते हैं। वही न केवल सीसीएलई तथा अभी तो संपूर्ण अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में 21st सेंचुरी स्किल का समावेश किया गया है। प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक स्तर पर इस संबंध में जो भी नवाचार किए जाएंगे वह परिणाम से राज्य स्तर पर भी अवगत कराया जाएगा। समय समय पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 21st सेंचुरी स्किल्स आधार सीसीएलई कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाएगी। तो साथियों, सीसीएलई जो प्रारंभ हो रही है शनिवार से और इसके प्रथम 3-4 फरवरी होना है, ताकि कुछ विशिष्ट विद्यालय तथा भोपाल के नगरीय क्षेत्रों में
दोस्तों ये थी एक बड़ी अपडेट और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।